तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने मिट्टी लिया और हम नीचे से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बेस नीचे क्लियर कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मिट्टी से हम पैर वाले हिस्से को पहले हम बना रहे हैं। उसके बाद ये देख रहे हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर ही बनाते चल रहे हैं। ये पैर हमने बनाया है और धीरे धीरे पानी से हम उसको चिकना करते चल रहे हैं। अब हाथ हम बना रहे हैं बुद्ध जी का मूर्ति, और इसको पूरी तरीके से हम वाटरप्रूफ करेंगे धीरे से। वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको पता चल पाएगा कि हम मिट्टी से बनाए हैं और इसको गार्डन के लिए हम तैयार कर रहे हैं। एक मिनी लैंडस्केप बनाए हैं उसके लिए, और इसको हम पूरा वाटरप्रूफ करेंगे। जबकि ये मिट्टी का है, इसको हम पकाएंगे और आग से पकाएंगे और उसको वाटरप्रूफ कर लेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा। हम नीचे से ऊपर की ओर बनाते चल रहे हैं। ये पैर हमने बना लिया, हाथ भी बना लिया है, और अब हम उस सिर बना रहे हैं, नाक ये बना रहे हैं हम। रात का समय था फ्रेंड्स, समय नहीं था तो हम रात में ही बनाए हैं। छोटा मूर्ति बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा हाथ बड़ा हो जाता है और नाक हो गया, मुंह हो गया, कान बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बड़ा मूर्ति बनाने में जल्दी बन जाता है, बट इसमें फाइन अच्छे से नहीं आ पाता। तो हम इनका बाल तैयार कर रहे हैं। छोटा छोटा मिट्टी का टुकड़ा हमने रखा, उसमें होल करते हैं, और ये सुंदर सा आकृति हमने दे दिया। अब बुद्ध जी का मूर्ति लगभग तैयार होने वाला है। अब धीरे से हम पानी का स्प्रे दे के हम सारे और सभी तरफ चिकना कर लेंगे, जिससे ये और भी सुंदर नजर आएंगे और सब तरफ ये आप देख रहे हैं, हम पानी से सभी तरफ चिकना कर रहे हैं। अब लगभग कड़े धूप में इसको नहीं रखना है फ्रेंड्स, हमने इसको छांव वाली जगह में लगभग 1 सप्ताह तक सूखने दिया। पूरी तरह से जब सूख गया तभी हम आगे प्रोसेस बता रहे हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हम ये गोबर का कंडा है, इसको सभी तरफ रखते गए, सभी तरफ जमा रहे हैं। अब हम इनको जो बुद्ध जी की मूर्ति को आग से पकाएंगे और इसको वाटर प्रूफ हम करेंगे। तो सभी तरफ कंडे को रख के हमने आग लगाया है, और लगभग इसको रात भर हम छोड़ दिए थे। आप देख रहे हैं कितना लो हुआ है इसमें। अब रात भर रखने के बाद सुबह हमने देखा कि ये पक गया है कि नहीं, तो देखने पे बहुत ही सुंदर बुद्ध जी का मूर्ति पक गया था, और ये वाटरप्रूफ हो चुके हैं पूरी तरीके से, आप देख रहे हैं। अब वक्त आ चुका है फ्रेंड्स इसको पेंट करने का। इसके बाद हमने पेंट किया है। यहाँ पे गर्दन पास हम जब छोटा सा रॉड डाले तो हल्का सा क्रेक आ चुका था, तो उस क्रेक वाली जगह में हमने वाइट सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एमसील का यूज़ किया और वहाँ पे फिलअप किया है, और बुद्ध जी की मूर्ति को हमने पूरी तरीके से फैब्रिक कलर यूज़ किया है, और पूरा वाइट सभी तरफ वाइट कलर हमने खुदाई किया। फैब्रिक कलर है फ्रेंड्स, कभी भी ये नहीं निकलेगा, और इसको हम अपने लैंडस्केप के लिए तैयार कर रहे हैं। मिनी लैंडस्केप, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम एक मिनी लैंडस्केप तैयार किए हैं, उसी के लिए हम ये बुद्ध जी का मूर्ति अभी तैयार किए हैं, और फाइनली ये बुद्ध जी की मूर्ति तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और चैनल में आपने है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम पूरा बुद्ध जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे और एक जो मिनी लैंडस्केप है उसको पूरी तरीके से हम डेकोरेट करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।